हे गाइस, दिस इज़ मिशेल एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माई चैनल आर्यम्स कोचिंग। गाइस, आज हम वापस से बात करने वाले आपके साथ हाउ टू टॉक इन गुड इंग्लिश। जैसे कि आपने हमारे पिछले एपिसोड में देखा था कि हमने आपसे बताया था कि हर छोटे छोटे वर्ड्स को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एक्चुअली में जब हिंदी हमने सीखी थी तो हिंदी कैसे सीखी थी, है ना। वैसे सेम प्रोसेस से हम आएंगे धीरे धीरे इंग्लिश की तरफ। तो जैसे हमने हिंदी सीखी थी तो हमने ना कोई स्पोकन क्लास किया था, ना ही हमारे पास ग्रामर का इतना टेंशन था और ना ही किसी और चीज़ का, बस बोल डालते थे। क्योंकि हमारे बचपन में जब हम सीखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जब सीखते हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो गार्जियन होते हैं और जो हमारा माहौल होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो हमें छोटे छोटे वर्ड्स को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। सपोज़ करो कोई भी वर्ड है कि बचपन में हमें खिलौना बोलना नहीं आता था, फिर हमने सीखा खिलौना बोलना, खाना पीना, आओ जाओ। तो ये हमने सीखा कैसे, बिना डरे बिना झिझके हुए जो वर्ड हमने देखा उसको इमिटेट करके, उसको फॉलो करके, है ना। तो इंग्लिश बोलने में भी हम सेम चीज़ को अप्लाई करेंगे। इंग्लिश तो कोई वो चीज़ है नहीं दवाई टाइप की कि मुँह में डाला पानी पिया सुबह उठे और वाह इंग्लिश बोलना आ गया, इस तरीके का तो है नहीं। तो इंग्लिश बोलने के लिए हम शुरू से शुरू करेंगे। हमने जिस तरीके से हिंदी सीखी थी बिल्कुल उसी तरीके से आज इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो हमने ये बताया कि बेसिक जैसे शुरू कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं आपको पहले से बचपन में हमने कैसे बात करना हिंदी में सीखा था, बिल्कुल वैसे हम इंग्लिश में सीखेंगे। और उसका इंग्लिश में बात करना जो नहीं आता, हेजिटेशन होता है या कुछ प्रॉब्लम आता है, फंबल आता है, उसका मेन ये भी रीज़न है कि हम जब हिंदी में बात करते हैं तो बिना झिझक बिना सोचे हुए बस बोल डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में जो चीज़ चल रही होती है वो हिंदी में ही चल रही होती है, इसलिए हमारे मुँह से धड़ धड़ इंग्लिश निकल हिंदी निकलती है। तो आज हम क्या करेंगे कि आज से इंग्लिश में बोलना सोचेंगे, मतलब सोचना स्टार्ट कर देंगे। कोई भी चीज़ जब हम बात करेंगे तो उसको इंग्लिश में पहले सोचेंगे, उसके बाद धड़ से बोलेंगे। क्या पर प्रॉब्लम आती है कि यूजुअली हम क्या करते हैं, हिंदी तो समझते ऑफकोर्स, इंग्लिश जब हम समझने की बात आती है तो हम समझ अच्छे से जाते हैं। कोई सामने वाला हमसे कुछ बात करता है तो हम समझ जाते हैं। प्रॉब्लम ये आती है जब हम बात करना उसे स्टार्ट करते हैं, हमारे में फंबल आता है, हेजिटेशन आता है, ग्रामर का टेंशन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, बहुत तरीके का झमेला शुरू हो जाता है दिमाग में। उन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इंग्लिश में ही सोचना शुरू करेंगे। कोई भी चीज़ को अगर हमारे पास वर्ड स्टॉक रहेंगे तो हम बोल भी सकते हैं कोई भी चीज़। जब तक हमारे दिमाग में, सपोज़ करो अगर किसी से हमारा झगड़ा होता है या कुछ भी इस तरीके का होता है, बुरा चीज़ होता है, दिमाग में वही चलता रहता है। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि हमसे कोई अच्छी भी बात करता है तो हमारे मुँह से वही रूढ़ भाषा में आंसर निकलता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वही चीज़ें चलती रहती है, इसलिए हमारे मुंह से वही निकलता है। अगर इनके सब हम इसको पॉजिटिवली देखें कि अगर हम बुरी चीज़ों के अलावा अगर हम इंग्लिश प्रैक्टिस करें, मन में सोचते रहे हर टाइम इस चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उस चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हमारे पास दिमाग में इंग्लिश चलता रहेगा, फिर ना चाहते हुए भी हमारे मुँह से इंग्लिश में ही वो चीज़ें निकलेंगी। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि हम इंग्लिश में ही सबसे पहले चीज़ों को सोचना समझना, उसके बाद बोलना खुद ब खुद आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, इंग्लिश में सोचना है। भले आज बोलने में थोड़ा दिक्कत आएगा, हम इंग्लिश का यूज़ करेंगे। इंग्लिश मतलब मिक्सचर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों को मिक्स करके हम बोलेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक तो है नहीं ना कोई स्विच के हम तुरंत बोलना फटाफट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये आता है कि अगर हमने कोई चीज़ सोचा है उसको और हम दोस्तों के बीच में बोलेंगे, हमें नहीं पता सही है कि गलत है, है ना। शुरू में जब हम सोच रहे हैं कोई चीज़, हमें नहीं पता सही है कि गलत है, तो हम बोलने से पहले थोड़ा टेंशन में आ जाएंगे कि पता नहीं फ्रेंड के सामने या किसी और के सामने कैसे बोले, सही सोच रहे कि नहीं सोच रहे, है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या होगा, प्रैक्टिस कैसे करें, हम कॉपी पर लिखेंगे छोटे छोटे वर्ड्स को, जो दिन भर में एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उन एक्टिविटीज़ को हम कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद सपोज़ करो कोई चीज़ हम लिखना चाह रहे हैं, हमारे पास वर्ड नहीं आ रहा, तो आजकल तो मोबाइल सबके पास है, फट से उस चीज़ को हिंदी में लिखा, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, समझ गए अच्छा इस चीज़ को ये कहते हैं, कॉपी में लिख लें। उससे क्या होगा, ये करने में भी मज़ा आएगा, दूसरा हमारे पास ऐसे करते करते काफ़ी सारे वर्ड्स जमा हो जाएंगे दिमाग में, है ना। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। तो और अगर बोलने के लिए यह है कि चलो लिख लेते हैं हम, समझ लेते हैं हम, अब बोलने की बारी आती है, बोले कैसे, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहली चीज़ हम आईना के सामने खड़े हो जाएंगे, उसके सामने बातें करेंगे, है ना। अगर गलत भी कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अकेले कमरे में हम खुद से बातें कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आप खुद से ही बात करेंगे। ठीक है, बात करके हम वो देख रहे हैं कि सामने से क्या रिएक्शन आ रहा है, आपका खुद का ही रिएक्शन है, बट वो
दिख रहा है हमें, ठीक है, तो वो थोड़ा सा हेजिटेशन वहाँ से कम होगा। एक बार, दो बार, तीन बार करेंगे, पहले शुरू में थोड़ा बचकाना लगेगा, थोड़ी हंसी आएगी खुद के ऊपर, बट इट्स ओके, हम करेंगे। क्योंकि देखो, बचपन में हम किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, बचपन में जो हम सीखते हैं नई नई चीज़ें, हमें नहीं पता होता सही बोले कि गलत बोल रहा सामने वाला, हमने उससे सीखा, हम बोल दिए, हमने कोई गाड़ी चल रही है उसको कार बोला बचपन में किसी ने, तो हम समझ गए इस तरीके का शेप होता है, उसको कार कहते हैं। अब कई बार होता है कि हम साइकिल को भी कार, बचपन में तो ऐसा होता है साइकिल को भी कार बोल रहे हैं, तो हमें करेक्ट किया जाता है, नहीं नहीं ये कार नहीं ये साइकिल है, तो हमारे माइंड में आ गया अच्छा इस तरीके का जो शेप वाला होता है उसको साइकिल कहते हैं, कार दूसरी चीज़ होती है। तो अब हम क्या हो रहा है, अभी भी सेम वही चीज़ होगा कि हम कुछ बोल रहे हैं, हो सकता है कि गलत हो वो चीज़, तो हम उसको करेक्ट करेंगे आपसे ही, अपने आप से ही करेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसा होगा नहीं, गार्जियन भी नहीं होंगे हमारे पास ये चीज़ समझाने के लिए, चाहे एक दो के पास हो भी, लेकिन मोस्टली के पास नहीं होंगे। आई नो मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी ये सब आपको नहीं करेक्ट करने वाले, बट ऐसे नहीं आप ऐसे इंग्लिश बोले, ऐसे नहीं ऐसे इंग्लिश बोले, है ना, तो हमें वो खुद से ही करना पड़ेगा। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि और एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट ये सब में घुसेंगे तो फिर बहुत गंडगोल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम सीधे प्रैक्टिस पर आ जाएंगे, सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब बहुत सारी वीडियोस ऐसे आते हैं जो लिसन के सुनने के लिए आते हैं, ठीक है, आप उसको सुनें, सुनने के बाद सेम प्रैक्टिस करें, उससे क्या होगा कि सुनेंगे बोलेंगे, एक दो बार ऐसे करने के बाद लास्टली हमको वो बोलना आ जाएगा अच्छा से, ठीक है। तो धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करें और उस चीज़ पर अमल करें जो मैंने बोला, उस चीज़ को वर्क करें उस चीज़ पर, और धीरे धीरे अपने पास वर्ड्स को कलेक्ट करें, कॉपी में लिखें, डायरी में लिखें, जो दिन भर की एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है, कुछ भी लिखें आप लिखें। और इसका बेस्ट चीज़ ये होगा कि आपकी राइटिंग स्किल तो बढ़ेगी। दूसरी चीज़ है कि आपके पास बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे और आपको बाद में जब एक साल के बाद, डेढ़ साल के बाद आप उसको देखोगे तो आपको हंसी आएगी कि आपने किस तरीके से उस टाइम लिखा था, कैसे आर्ट लगाया था आपने, कैसी टेक्निक लगाई थी आपने तरह तरह की चीज़ों को लिखने के लिए, और फिर बहुत मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। तो गाइज़, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप इंग्लिश बोलें फ्रेंड्स के बीच में या कुछ भी करें, लेकिन सबसे पहले आप उसको वर्ड्स को कलेक्ट करें, उसको अपने से ही बोलने का कोशिश करें, उसके बाद बाहर में बोलें फ्रेंड लोग के बीच में, कोई बात नहीं, अगर हंसते हैं तो कोई नहीं, उसको भी नहीं आता, माइंड में ये सोच लो उसको भी नहीं आता, हमें नहीं आता तो उसे भी नहीं आता, और बोलते रहो, बेशर्म हो जाओ, बोलते रहो, लास्ट में हम देखेंगे कि हमारे अंदर हफ्ते भर के अंदर में ही इम्प्रूवमेंट आने लगी है, ठीक है। आप ऐसे करते रहो और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताओ कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ और मैं आगे इस तरीके का आपके लिए वीडियो बना सकूँ। तो गाइस प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।